इलो खाना खाए नहीं चाहिए मुझे खाना अगर दो दिन भूखा रहूंगा तो कोई मर नहीं जाऊंगा मैं मगर हाँ अगर तुम लोगों ने मुझे इसी तरह बांध के रखा तो वहां दूसरे बहुत सारे लोग मार दिए जाएंगे कौन मरे ना मरे गौरी मगर इसी तरह तुम बेरुखी बरतते रहे ना तो तुम्हारी चंद्रमुखी जरूर मर जाएगी इतना भी गुस्सा कहाँ है हा? अरे जब हम तुम पर अपना कुत्ता छोड़ते थे तो तुम सारे गांव में भागते फिरते थे कुत्ता हाँ याद करने की कोशिश करो गौरी याद है एक दिन तुम छत से हमारे घर में आन गिरे थे सांप तुम्हारी धोती में घुस गया था और तुम कैसे हंसे थे सांप मेरी धोती में घुस गया था और मैं हंस रहा था देखो हम तो हर पाप बड़ा थे अगर हमसे कानू भूल चुक हो गई हो तो हमको माफी कर दो मगर ऐसी चीज जलाने वाली बात नहीं करो हमसे और बर्दाश्त नहीं हो गारी आखिर कितना जय हम लो दो दिन से बांध कर हमें रखा हुआ है जुल्म हम पर हो रहा है और कहती कितना सहे हम चंद्रमुखी तनिक हमारा हाथ तो खोलो ताकि हम खाना खा सके तुम खाना खाओगे दबा के भाग तो नहीं जाओगे ना अरे हम ना ही भागेंगे तुम जरा खोलो तो सही खोलो रहने दो रहने दो हम खा लेंगे अरे मेरी अम्मा अब मेरे सर पे खड़ी रहोगी क्या अरे जाओ जाकर तनिक पानी वानी लेकर आओ जाओ 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 नहीं गौरी हम तुमको जाने नहीं देंगे अरे हट गौरी अंकल दादी माँ गुंडों की आवाज वापस आ गई उन्हों बेटा अभी तो अच्छा हुआ मेरे लाल तू ठीक हो गया हाँ बिल्कुल ठीक हो गया नहीं जानता तूने अपनी दादी को कितना सताया है हाँ। और बेटा ये जल्दी से ये धोती को अरे क्या कर रहे हो डैडी ये बुन्नू का घर में नंगा घूमता अरे फिर वही मजाक अरे अपने खुद के कपड़े पहन कमीचे सब क्या चलते कम से कम मुन्नू को उस मुसीबत से छुड़ा ले हाँ चलिए चलिए एक बार इस घर से बाहर तो निकले सारी मुसीबत दूर हो जाएगी और मुसीबत में तो वो लोग आएंगे जिन लोगों ने हमका मुसीबत में डाला है यार ये आदमी है या भूत मार मार के हाथों की चमड़ी निकल गई मगर ये तो कुछ बताता ही नहीं बताएगा सब कुछ बताएगा अब तक तुम लोग पूछ रहे थे ना अब इंस्पेक्टर प्यारे मोहन पूछेगा पुलिस वाला स्टाइल में जल्दी बता मैं भूल गया हूँ कि पूछना क्या है ओह हो अंकल चीफ मिनिस्टर कहाँ कह दे यही पूछना अंकल मेरा भाई जिंदा वो देखो मेरा भाई जिंदा अंकल पहचान वाले चल बैठ जब चाप चला अंदर हो जाओ चलो जल्दी चलो उन्नू 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 कम ऑन अंकल जल्दी जल्दी अंकल अंकल उस गाड़ी का पीछा कीजिए अंकल कम ऑन फास्ट हरिया अंकल चलाइए अंकल अरे फिकर मत कर बेटे गाड़ी चलाने में इंस्पेक्टर प्यारे मोहन का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता आगे देखकर चलाइए शरीर संभाल दिया अंकल आगे तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुन्नू मुन्नू मेरे भाई कैसा है जानता तुझसे और घर वालों से मिलने के लिए कितना बेचैन रहा मैं कितना तड़पा हूं मैं क्या बात है तू परेशान क्यों मुन्नू मुन्नू अगर तू यहां है तो वो कौन था कौन वो यार अभी ये कौन है दूसरा वही जो हसमुख के साथ था बिल्कुल तेरी शक्ल हाँ मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वो कोई और था अरे 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 अंकल मुन्नू
इसका मतलब वो गौरी शंकर था। गौरी? कौन गौरी? अरे वही गौरी शंकर यार, जिसकी वजह से मुझे यहाँ कैद करके रखा हुआ है। कहाँ है वो? अरे उसे तो तेरे धोखे में उन लोगों ने अगवा करके रखा है, वही लोगों ने जिन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब पर हमला किया था। और बुन्नू, साथ में डैडी और सारे घर वाले भी है। चमत्कार। लेकिन मिनिस्टर साहब को कहाँ छुपा कर रखा है, उस जगह का पता हमें मिल चुका है। मुझे तो लगता है शायद उनको और घर वालों को वही रखा होगा। अरे तो फिर इंतजार किस बात का है, चलो चलो। चंदा बिटिया, किसको गौरी को उठा के ले गए? क्यों मारा मैंने इसे? अरे सुनो मैं क्या, आप अरे क्या हुआ, आप क्या कर रहे हो? हम लोग यहाँ सबको छुड़ाने आए और आप बगीचे में टहल रहे हो? अरे यार मैं फिर से भूल गया, मरते मरते बच गए। चीफ मिनिस्टर साहब, सर आप यहां से तुरंत चलिए, हम तुरंत चलिए आप यहां। प्यारे इंस्पेक्टर, प्यारे मोहन, आपको छुड़ाने के लिए मैंने इन दोनों का यहाँ लाया। मैंने सर, इन हरामजादों ने हमारे घर वालों को अगवा कर लिया है। सर तुम चिंता मत करो, ईश्वर ने चाहा तो उनका कोई बाल बाका भी नहीं कर पाएगा। तुम लोग गाड़ी कितनी तेज चला सकते हो? गाड़ी मुन्नू, मुन्नू गाड़ी और तेज चला, अगर हमारा हम शक्ल वहां पहुंच गया तो गढ़ पर चाकू लेकर निकल भागेगा। ऑफिसर नटवर शाह को फौरन दिल्ली शिफ्ट करना है। क्यों सर? इसलिए कि सीबीआई को रिपोर्ट मिली है कि उसकी जिंदगी खतरे में है, क्योंकि तुम्हारी सिक्योरिटी से कुछ लोग बिक गए हैं। ये नटवर शाह कहां गया? तुम उसे कहां ले जाओगे मिस्टर सारंग? तुम उसे छुड़ाने नहीं, खुद फंसने आए हो। वो देखो, तेरे जुर्मों की सजा कानून तुझे देगा, मगर जो जुल्म तूने मुन्नू और बुन्नू पर किए हैं
उनकी सजा ये तुझे खुद देंगे। सारंग, इन दोनों के हम पर बहुत एहसान है। इनके घर वालों को हम अपनी जान पर खेल कर भी छुड़ाएंगे। अब नटवर शाह को हम तेरे साथियों के पास लेकर जाएंगे और वो समझेंगे कि सारंग आया है। सुनिए भाई साहब, ये सब हो का रहा है। नीतीश्वर, 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 दो लड़के चीफ मिनिस्टर को चुरा के ले गए। हेलो, आलो दो सालों को ना, हमारे साथ थोड़ी गड़बड़ हो गई। हो सकता है कि आने वाला हमारा सारंग, और यह भी हो सकता है कि आने वाला असली चीफ मिनिस्टर हो। कर मत नटवर शाह, ये हम लोगों का पुराना खेल है। क्यों सारंग? अरे कमाल कर दिया इसने, किसी को कोई शक भी नहीं हुआ। अरे शक कैसे होगा, जिगर के छल्ले, असली चीफ मिनिस्टर लगता हूँ कि नहीं? अरे जब से तेरी प्लास्टिक सर्जरी की है ना, अरे दूसरे लोग तो क्या, हम लोग भी नहीं पहचान सके कि तू हमारे जिगर का छल्ला है या असली चीफ मिनिस्टर। ये ले, जब से तू चीफ मिनिस्टर बना है तेरे इन हाथों ने किसी का खून नहीं किया है। आज इनकी खुजली मिटा ले, मार डाल इनको। तुझसे गोली नहीं चलेगी चीफ मिनिस्टर। जाहिल कुंडों में फंस गया मैं।
गया कि बीसीबी भी उन लोगों के साथ मिला हुआ है। वो साला, ये भूलने की आदत मैं कब भूलूंगा। कितनी देर लगा दी? कम ऑन कैप्टन, गो अड्डी का बुरादा बनाने। हमने तुझसे कहा था जब तक तू जनता के एक एक पैसे का हिसाब नहीं बता देगा भागना तो दूर, हम तुझे मरने भी नहीं देंगे। गौरी, गौरी शंकर, बहुत मारा सबने हमको तूने। सॉरी सर, लेकिन क्या है कि ईमानदारी कितनी भी बेवकूफ हो आखिर एक दिन उसकी तरक्की जरूर होती है, और बेईमान कितनी भी चालाक हो एक दिन उसे जेल में जरूर जाना पड़ता है। आइए सर, चलो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अरे मां, आज तो मेरे इन खोटे सिक्कों ने कमाल कर दिया। हाँ? रोज नकली मेडल खरीद के लाते थे, आज तो असली मेडल पा लिया इन लोगों ने। माँ, अब पता चला पोते किसके हैं आखिर? तेरे माँ, तेरे। कमीनो। जी सर। अरे मेरी भी तो सिफारिश करो, मैंने भी तुम्हारे साथ कम पापड़ नहीं बेले। प्यारे मोहन जी। यस सर। हमने सुन लिया। थैंक यू सर। आज से आप इंस्पेक्टर नहीं फिर सर, बल्कि कमिश्नर ऑफ पुलिस बना दिए। मुबारक हो प्यारे जी। अनुराधा जी, बहुत दिनों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। क्या 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 कहना चाहता? यही कि हम दोनों में से कुर्बानी देगा कौन। हाँ?